मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 1.5 किमी दूर है। मेरे पास एक बाइक जिससे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफर पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी से मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहां नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो ना कभी बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने काफी फोन लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट गया। उठ घर में घुसते ही उसका फोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहां पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे मुझसे अकेले मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसके फोन लगाया लेकिन उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी के फोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल फेंक दी और नए नंबर ले लिए और फिर कभी फोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। मित्रों, अगर आपको मेरी आपबीती पसंद आए तो शेयर जरूर करें।